गठबंधन सरसों का तेल। आइए बताओ बहनों, पीडीए गठबंधन सरसों का तेल लेते जाइए। आइए बताओ बहनों, पीडीए गठबंधन सरसों का तेल। आइए आइए, पीडीए गठबंधन का सरसों का तेल। इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए, किसानों का कर्जा पूरा माफ होगा। आइए आइए, इंडिया गठबंधन सरसों का तेल। खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या से। अयोध्या जनपद के बीकापुर ब्लॉक स्थित दो गांव निषादपुरवा व बनराजपुरवा में दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत सिंह ने इन दिनों गांव की गरीब परिवार की महिलाओं के घर घर जाकर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल बांटा। वे कहा कि इस देश में देश की आम जनता महंगाई से परेशान है। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग बेरोजगार है, उनके घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। खाद्य पदार्थ तेल से लेकर सब्जी दाल के भाव आसमान को छू रहे हैं, जिससे आम घरों में जहां पर चूल्हे जलने मुश्किल हो रहे हैं तो वहीं कहीं मांग कर चूल्हे जल भी जाते हैं। तो खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई से उनके घरों में बनने वाले दाल में छोक नहीं लग पा रही है। इस देश में देश के आम लोगों के लिए अगर कोई दल अच्छी सोच रखता है तो वो समाजवादी पार्टी व सपा मुखिया अखिलेश यादव है। और आने वाले देश के आम चुनाव में जनता पीडीए गठबंधन को ही लाएगी, क्योंकि गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का वही ध्यान रखेगी। आज आपने तेल बांटा है गरीबों में, क्या उसके पीछे क्या मंशा, क्या चुनावी ये स्टेट है? नहीं, चुनावी नहीं, देखिए पीडीए ही गरीबों का सहारा है। उसी के अंतर्गत आज हमने पीडीए इंडिया गठबंधन सरसों का तेल जो है, जो हमारे निर्धन गरीब लोग ग्रामीण अंचलों में रह रहे हैं माताओं बहनों को, आज हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। और आज हम उनको यही बताना चाहते हैं, किस तरीके से भाजपा सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा छुट्टा जानवरों ने गरीबों के यहाँ आतंक मचा दिया है, उसी को लेकर तो हम जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और 2024 में बीजेपी का सफाया होना तय,